गाइस इस समय हम लोग धनुषकोटी में हैं। धनुषकोटी जो हिस्सा गया हुआ है ये सीधा श्रीलंका की तरफ जाता है, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद से प्रभु श्री राम ने यहाँ पे जो सेतु बांधा था। इस साइड देख सकते हैं आप, इस साइड दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड ऑन माई राइट इज द इंडियन ओशन। तो ये मिलते हैं आगे जाके, एक समंदर बन जाते हैं। बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे राम सेतु पुल के बारे में। अभी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ से अंदर जाके रास्ता है, ये देखो लोग गए हैं। आजा राजभरी। चप्पल खो गई। वेरी गुड, आ रही थी तेरी। सो गाइस एक काम करते हैं, दो मिनट के लिए इस व्लॉग को होल्ड पर रखते हैं और सुनते हैं कि जो इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और जो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका क्या कहना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जैसे वो क्या होता है कि ग्रहों की जो नक्षत्र की जो स्थिति थी वो वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्ट दर्शाई गई थी। उस समय के जो ऋषि थे, महर्षि थे, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक एक चीज का वर्णन किया हुआ था। उन ग्रहों की पोजिशन को प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हमें वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पीछे जाके वो डेट्स मिल जाती हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना श्री अब्दुल कलाम का है, जिससे वाकिफ नासा भी रखता है और बहुत सारे देश के बड़े वैज्ञानिक भी रखते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन हुआ था, हम सब जानते हैं और उसको मनाते भी हैं धूमधाम से। चंद्रमा के चैत्र महीने के 9वें दिन को ये दिन पड़ता है और अगर उस दिन जो पोजिशंस दिखाई गई हैं वाल्मीकि रामायण में, उन पोजिशंस को अगर हम प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो जो डेट निकल के आती वो है 10 जनवरी 5114 वर्ष ईसा पूर्व। तो BC के बाद अब हमारे तकरीबन हो गए हैं 2000 साल। तो लमसम आप कहते हैं 7000 साल से भी पहले श्री राम जी का जन्म हुआ था। हर एक स्थिति का वर्णन उल्लेख किया हुआ है। 589 BC ईसा पूर्व में राम जी का राज्यभिषेक हुआ था। उसके बाद 3 अप्रैल को उससे 14 वर्ष बाद बाली वध हुआ था। इसी साल 12 सितंबर को हनुमान जी लंका गए थे और उसी साल 24 नवंबर को मेघनाद वध हुआ था। और ये जो तारीखें आती हैं ये बिल्कुल वही तारीखें हैं, मैच करती हैं सॉफ्टवेयर से और जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। राम सेतु एक ऐसा सेतु है जो कि इंडिया के जो तमिलनाडु स्टेट में जो लास्ट शहर है धनुषकोडी, उसको जोड़ता है श्रीलंका से। पुल जो है 35 किलोमीटर चौड़ा लंबा है और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। अगर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन देखें तो एग्जैक्टली इसको बोला गया है ये 100 योजना लंबा है और 10 योजना चौड़ा है। तो 10:1 का रेशियो वो प्रूफ करता है कि ये वही पुल है। ये भी बताया जाता है कि जो इस पुल की जो रचना की गई है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व्ड लाइन है। और कर्व्ड लाइन के होते ये कंफर्म किया है साइंटिस्ट ने कि ये एक मैन मेड ब्रिज है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, जब ये पुल बना होगा तो ये उस समय बोलते हैं कि पानी की सतह से तकरीबन 1 मीटर ऊंचा होगा। आज अगर देखें तो राम सेतु पानी से कम 2 मीटर नीचे डूबा हुआ है। कि ये रिसर्च कहती है ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट की कि 7000 साल में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके हिसाब से पानी का स्तर कम से कम 3 मीटर ऊपर चढ़ा है। ये एक और चीज है जो कंफर्म करती है कि ये पुल आज से 7000 वर्ष पूर्व ही बांधा गया था। As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA, the rise in the sea level during the last 7000 years has been about 2.8 meters. अब चलते हैं वापस धनुषकोडी ब्लॉग में। तुमको पता है जगह का नाम धनुषकोटी क्यों रखा गया था? क्योंकि जब राम जी ने पुल फांद लिया था तो उनको लगा, मतलब क्रॉस कर लिया था आगे से, तो उनको लगा कि पीछे से दुश्मन फॉलो ना कर ले, तो तीर मार के उन्होंने पुल जला दिया। धनुषकोटी था, ये सुनामी में डूब गया जब तूफान आया था। ये धनुषकोटी नाम का शहर था, ये धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पे डूब गया, पूरा शहर ही खत्म हो गया। 64 मेरे पास। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं वो है विभीषण मंदिर। चलो जी विभीषण जी के दर्शन किए जय श्री राम। उसके साथ खाली है भाई, ये खाली है। मैंगो ऑरेंज है, लाओ दे। ओ भाई साहब बहुत गर्म है, जल्दी खोलो, बहुत गर्म है नीचे। हल्के पापा, हल्के।
गॉड रामा मेड दिस तीर्थम टू क्विंच थर्स्ट ऑफ सीता। इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वापस आ रहे थे तो सीता माता को बहुत प्यास लगी थी, और ये अद्भुत करिश्मा है भगवान श्री राम के लिए। समंदर के बीचों बीच जहाँ खारा पानी होता है, बीच पे खड़े हैं, ये जो बीच एरिया है यहाँ पे अगर कहीं भी आप एक गड्ढा खोदेंगे तो आपको खारा पानी निकलेगा। बट श्री राम की महिमा थी कि उन्होंने एक बाण लगाया नीचे धरती को चीरते हुए और वहाँ से मीठा पानी निकल आया सीता माता के लिए। इतना साफ पानी तो मैंने किसी बीच में नहीं देखा इंडिया में, देखो बहुत साफ पानी है। मीठा पानी आ पाएगा तो गाइस ये वो कुआं है जहाँ अंदर में चारों तरफ यहाँ खारा पानी है, बट भगवान श्री राम ने यहाँ पे एक मीठे पानी का कुआं खोदा। You want to taste? A little bit. रितु ये तेरे लिए मीठा पानी निकाला समंदर के बीच में, प्रभु श्री राम ने सीता के निकाला मैं तेरे लिए नहीं। तो भाई इस पेड़ के नीचे ड्रोन गिर चुका है, आई होप ड्रोन मिल जाए हमारा। उस वाले पेड़ से जो ये वाला पेड़ है यहाँ से गिर गया, उस बच्चों को बोला मैंने ड्रोन निकालने को, बड़ा मॉन्सो गोइंग विद देम। नीचे रख दे पानी में, पानी में नहीं, पानी में नहीं, तनी नहीं, तनी नहीं। देखा पंख टूट गए, पंख तो सस्ते आते हैं, मेन मशीन नहीं। पकड़ो पेड़ से लग गया, जब जब इधर से आया ना कुंडा कौन लेके आया। सो फाइनली हम जा रहे हैं लक्ष्मण कुंड पे। एक्चुअली बहुत गर्मी है यहाँ, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। एक्चुअली मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग करने का।